स्कूल से आई हूँ और मेरा नाम पायल प्रजापत है। और यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है, बरसात के समय पूरी गड्ढे भर जाते हैं और फिर हम स्कूल से आते शूज तो वहीं गीले हो जाते हैं और आते आते पूरी ड्रेस वगैरह और आने में भी तकलीफ होती है, गंदगी भी होती है, बीमारियाँ आती तो उसी कारण हो जाती है हमें तो। इसीलिए आप जल्दी से व्यवस्था कीजिए। बस नहीं है, स्टाफ की कमी है, हम 12th में पढ़ते हैं और इंग्लिश के टीचर नहीं है, लेक्चरर और हिंदी अनिवार्य की भी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की भी नहीं है और 10th तक के इंग्लिश के टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, इसलिए अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कलेक्टर मैम से निवेदन है कि हमारे जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना मतलब स्टाफ का व्यवस्था करवाए। और हमारी गर्ल्स स्कूल में साइंस नहीं है तो हम 10th के बाद साइंस लेना चाहते थे और हमारे घर वाले बाहर नहीं भेजते और यहाँ पे साइंस नहीं है तो यहाँ पे हमारे स्कूल में साइंस भी होनी चाहिए। कौन है मार बच्चा निनिया लवे भी आवे जो को हरी भे परेशान होई नदी पे ही पानी दी और नदी पर छानो है न मे पूरा ठका कोई खाते मोते मे न पुजती हको मे को हरवे बैठा मन नदी पर छानो दे दी मुझे भर काई लुदाई तो किया गया है। जो भी हमारी यहाँ महिलाओं ने बहनों ने अपनी बात बताई है कि किसी को आवाज़ अभी स्वीकृत नहीं है या जैसे उन्होंने पीछे बताया कि आवाज़ स्वीकृत है, पहली किश्त आ गई है, दूसरी किश्त नहीं आई है, या हमारी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि टीचर्स की कमी है और उनकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है। आपने पुल के बारे में बताया कि यहाँ रामगढ़ में पुल बनना ज़रूरी है। क्या एक और बच्ची ने बताया कि यहाँ जब बहुत भारी बरसात होती है तो रोड्स पे गड्ढे हो जाते हैं और फिर तकलीफ होती है आने जाने में। तो हम यही आपसे फीडबैक लेना चाह रहे थे। यहाँ पे अभी हमारी जो आशा सहयोगिनी उसने बताया कि जो हमारे यहाँ शराब के ठेके हैं वो 8 बजे जो बंद होने वाला टाइम है बाहर से बंद कर देते हैं, पीछे से चालू रखते हैं अपनी बिक्री। तो उस पर भी हम प्रभावी रोक लगाने की अब यहाँ कोशिश करेंगे। अब हमें पता चला है कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं तो अब हम इसका समाधान करेंगे। और ये सब आपने जो अभी बताया है ये पूरा रिटर्न में लिखा जाएगा और आपकी जो ग्राम सभा होगी 26 जनवरी को उसमें एक एक चीज़ पर एक्शन प्लान बनेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना बढ़ चढ़ कर हमारी आज इस महिला जाजम जयसान शक्ति कार्यक्रम में भाग लिया, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हम समाधान करेंगे। थैंक यू।